हम तो बेसिकली हैं ही इंडिया से, दिल्ली से, और हमारे दादा ही लेकर आए थे ये सब यहाँ पर। पहले तो बहुत छोटी सी दुकान थी, अब माशाल्लाह से चलाते हैं। तो ये कि सब मसाले वगैरह जो भी हैं वहीं से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एडिशनल हुआ हो या कुछ हुआ, वैसे ही लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत देता। जी क्या ऑर्डर किया था आपने यहाँ पे? हमने यहाँ पे कबाब ऑर्डर किए और टिक्का। कैसा लगा आपको कबाब? जी कबाब बहुत मज़े के हैं, बेहतरीन है जी। और कुछ और इसके अलावा निहाई ट्राई किया? नहीं हमने ऑर्डर नहीं किया, अभी सिर्फ कबाब टिक्का ट्राई किया जी। अच्छे लग रहे हैं, मज़े के हैं जी, मज़े के हैं। कबाब हाउस में आपको दिखाने के लिए मौजूद हूँ, लोकेशन नॉर्थ नाजाबाद की है। एक्यूरेट लोकेशन आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में, आपने टेंशन नहीं लेना है, वीडियो में आप पूरी देखें आपको लोकेशन पता चल जाएगी। यहाँ पे कबाब की क्या जायके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उसके अलावा निहारी का जायका भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सुनवाने वाला हूँ, पिछवाने वाला हूँ, सब कुछ होगा इस वीडियो में। तो आप लोग जुड़े रहें और देखें, बड़े मज़े मज़े के खाने आपको मिलने वाले हैं, खाने को नहीं देखने को, खा के आप यहाँ खुद आइए ट्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं, फिर आइए। दिल्ली की निहारी का एक चल रहा होता कॉन्सेप्ट, आपके पास भी दिल्ली की निहारी और आपके पास कबाब भी हैं, यहाँ पे कबाब भी हैं, हमने जो आपको दिखाई थी दिल्ली निहारी अलग अलग जगह पे, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, यहाँ पे जो है वो दिल्ली निहारी के साथ कबाब भी मौजूद हैं। तो सर थोड़ा सा बताइएगा, वो मतलब सब आप रिलेटिव्स हैं क्या सर? हम तो बेसिकली हैं ही इंडिया से, दिल्ली से, और हमारे दादा ही लेकर आए थे ये सब यहाँ पर। पहले तो बहुत छोटी सी दुकान थी, अब माशाल्लाह से चलाते हैं। तो ये कि सब मसाले वगैरह जो भी हैं वहीं से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एडिशनल हुआ हो या कुछ हुआ, वैसे ही लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत देता। तो क्या है कुछ रमज़ान के हवाले से जो टाइमिंग चल रहे हैं यहाँ पे? रमज़ान में थोड़ी टाइमिंग बढ़ जाएंगी, जाहिर सी बात है, सहरी तक चले जाता लास्ट डेज में, 2020 रमज़ान के बाद लास्ट तक चले जाता, वैसे तो नॉर्मल वही 2 बजे तक चलता है। ये कबाब का भी सारा आपने सेटअप डाला हुआ है? तो कबाब तो हमारा है ही मशहूर, धागा कबाब इस नॉर्थ नाजाबाद में पहले से मशहूर है, जब से ही चल रहा है। कुछ आपका ऐसा है कि कोई हाफ प्लेट की कोई ऑफर देना चाहें लोग? दादा ने कहा था कि कोई भी आए तो जाना नहीं चाहिए, जो बैठ जाए, जिसको जो मुनासिब लगे वो बैठ के खाए। ये एक बहुत अच्छी जो है दादा की नसीहत है, और दादा बता के गए थे कि यहाँ पे आप आएँ तो आप बस जो भी आए वो बैठ के खा ले, तो वो चीज़ बड़ी प्यारी है और बहुत ज़बरदस्त बात है। तो आप यहाँ पे आके कोई भी आप ऑर्डर करना चाहें कबाब के हवाले से, वो आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा सर। यानी जैसे कि ये हो रहा है कि कबाब जो है वो जैसे हाफ प्लेट का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, 200 रुपये की भी है, तो मुमकिन हो जाएगा कोई खा लेगा? हाँ हाँ दे देते हैं, हम मना नहीं करते भाई। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आपको हाफ प्लेट यहाँ पे 200 रुपये की मिल जाएगी, यानी जो रेट होगा उसकी हाफ प्लेट का आपको हाफ प्लेट मिल जाएगा। तो सर ने बोल दिया तब तो मिल ही जाएगा। जी क्या ऑर्डर किया था आपने यहाँ पे? हमने यहाँ पे कबाब ऑर्डर किए और टिक्का। कैसा लगा आपको कबाब? जी कबाब बहुत मज़े के हैं। कैसा है? जी वो भी अच्छा है, बेहतरीन है जी। और कुछ और इसके अलावा निहारी ट्राई किया? नहीं हमने ऑर्डर नहीं किया, अभी सिर्फ कबाब टिक्का ट्राई किया जी। अच्छे लग रहे हैं, मज़े के हैं जी, मज़े के हैं, तो खाएं एंजॉय करें, थैंक यू वेरी मच। सर क्या खाया आपने? मैंने अभी फिंगर फिश खाई है। कैसे लगी आप? बेहतरीन है, सही है। और कबाब वगैरह ट्राई किया? नहीं कभी नहीं, बस वो फिश वगैरह का था। कबाब वगैरह तो आपको पता है कि आजकल कीमे की क्या सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल है जी जी। तो निहारी का ही वाला लगता है, डर लगता है? हाँ। नहीं नहीं वैसे अच्छा है, मैं अच्छा है, नहीं नहीं खाना तो उनका अच्छा है, बेहतरीन है। और निहारी के बारे में? नहीं नहीं मैं सर वो टेस्ट नहीं करता है। फिश ट्राई किया भी आप? बस फिश काफी। कैसे लगी फिश? फिश अच्छी जी। तो व्यूअर्स कैसे लगी एपिसोड ये तो आप मुझे बता देंगे, आपकी प्यार मोहब्बत मुझे लाइक शेयर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा जरूर। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया निहारी भी, जो कि बड़ी ही जबरदस्त निहारी थी, और उसके अलावा आपको मैंने यहाँ पे कबाब भी दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको एपिसोड बहुत अच्छी लगी, इसी के साथ आप हमें लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मैं आपको बोल चुका हूँ, और इस अपने मन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।